तो लूप क्या होता है, जब हम किसी भी कोड को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का सहारा लेते हैं। लूप आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी हिस्सा होते हैं जो किसी भी कोड को बार बार रिपीट करने में हमें हेल्प करते हैं। किसी भी चीज़ को रिपीट दो तरह से किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बोलें मून और बार बार बोलते रहें मून, तो एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये भी लूप के ज़मरे में आएगा। और मैं आपसे कहूँ कि आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप कहेंगे रिपीट नहीं सर, नंबर चेंज हो रहा है। इसमें आप नंबर चेंज कर रहे हैं लेकिन पैटर्न को तो फॉलो कर रहे हैं ना, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह के टास्क जो हमें बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, उन टास्क को अगर हम कंप्यूटर से आसानी से सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हम लूप का सहारा लेते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। लूप को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम के मेन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर लेता है। तो तीन किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि तीन तरह के लूप होते हैं। एक है वाइल, दूसरा है डू वाइल, तीसरा है फॉर। तीनों अलग अलग नोयत से काम करते हैं लेकिन तीनों का काम एक ही है, कोड को रिपीट करना। अब हम किस तरह से इसको कोड को लूप के जरिए परफॉर्म कराएंगे तो देखते हैं। हम इससे ऐसे करते हैं कि एक कोड लिख रहे हैं जिसमें ये कोई भी लाइन ऑफ कोड को, एक स्टेटमेंट को 5 दफा रिपीट करे। सबसे पहले समझेंगे कि हमें इसको लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ से कंट्रोल एन दबाएंगे और यहाँ से न्यू करेंगे और कंट्रोल एस करके हम अपनी पहले बुनियादी कोड जो है वो इसके अंदर हम लिख लेते हैं। जैसे इसमें हम लिख दिया आई ओ स्ट्रीम, और यहाँ पे हम लिखा यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी लिख दिया, और इंटीजर मेन करके यहाँ पर हमने ये एंटर कर दिया। और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिखा सपोज टू बी सी आउट एंड लाइन सिस्टम पास, और यहाँ पे लिख दिया हमने रिटर्न 0। कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पर जाके हमने फाइल को अपनी सेव कर दिया। किस नाम से सेव कर दिया, क्लास 16 वाइल लूप। अब इस चीज़ को करने के लिए हमने सबसे पहले कैसे लिखते हैं, वाइल की कमांड लिखेंगे, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे दो बॉडी बनाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हमने एक्सप्रेशन बताना है। अब एक्सप्रेशन क्या बताएंगे, एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कंडीशन, कि ये लूप कितनी बार चलेगा। यहाँ पर जाके हम इंटीजर करके एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे सपोज टू बी ए, और उसकी इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 1। यहाँ पे एक्सप्रेशन बता रहे हैं ए लेस देन 5। इसका मतलब है कि ये लूप उस वक्त तक कारआमद है जब तक कि अगर आप इसकी वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, 5 नहीं बल्कि 5 से एक स्टेप कम 4 नहीं हो जाती। अब ये जो लूप की बॉडी है इसमें जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे हम एक स्टेटमेंट चाह रहे हैं जैसे विंटर इज कमिंग, तो ये सेंटेंस हम 5 टाइम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे लगाएंगे सी आउट लेस देन एंड एल, और यहाँ पे लगाने के बाद इसको इस तरह से हम कर देंगे। यहाँ से F11 करके हम अपने कोड को परफॉर्म करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, जबकि हमने क्या कहा था कि कितनी बार चलेगा, 4 बार या 5 बार, लेकिन ये इन्फिनिट हो गया है। इन्फिनिट का मतलब ये है कि ये कोड अब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। इस तरह का जो लूप होता है, बेसिकली इस तरह के लूप को इन्फिनिट लूप कहते हैं, जो किसी मयार या मिकदार में नहीं चलता बल्कि लामहदूद हो गया है। अब इसको बंद करने के लिए मुझे यहाँ से इसको क्लोज करना होगा, लेकिन अगर मैं इसको 5 बार चाहता हूँ कि 4 बार या 5 बार चले, तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि यहाँ पर एक लगाना होगा इंक्रीमेंट। क्या लगाना होगा, क्योंकि देखिए आपने बताया कि ये लूप कितनी बार चलेगा जब तक ए की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। ए की वैल्यू 4 नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है, और यहाँ पर जब वो उसको रिपीट कर रहा है तो रिपीट तो कर रहा है लेकिन ए की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा सोल्यूशन लगाना पड़ेगा जिससे ए की वैल्यू में इजाफा हो ताकि वो जल्दी जल्दी 4 तक पहुँचे और 4 दफ़ा में ये लूप एंड हो जाए।
तो इसके लिए हम यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे ए के वैल्यू के साथ प्लस प्लस सेमीकोलन ओवर। ए प्लस प्लस का मतलब है ये प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो ए की वैल्यू में एक का इजाफा करेगा, मतलब जितनी बार कोड परफॉर्म होगा उतनी बार ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में ए की वैल्यू 1 होगी, जब ये अंदर आएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और जैसी 5 होगी ये लूप यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, मतलब फिर अंदर वाला कोड परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, कितनी बार परफॉर्म किया, 4 बार। अब हम 5 बार चाहते हैं तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ए की वैल्यू को यहाँ पे जाके 0 करें और यहाँ से इसको प्रोग्राम को रन करें, क्योंकि जब 0 से काउंट करेगा 0, 1, 2, 3, 4 पे 5 हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको भले 1 पे रखें और यहाँ से जाके इसको लेस देन क्या कर दें, 6 कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये इसको 5 टाइम परफॉर्म करेगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर 5 ही रखें और लेस देन के साथ इक्वल भी लगा दें, जिससे ये लेस देन इक्वल टू हो जाए। इसका मतलब या तो एक स्टेप पीछे या इक्वल, तो इसका मतलब 5 पूरे कर लेगा। समझ में आ रही बात ये? अब इसी तरह से जैसे हमने विंटर इज कमिंग लिखा, अगर इसकी जगह पे 1 से लेके 5 तक के नंबर प्रिंट कराना चाहें तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आप इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट का मतलब डिसेबल, और इसकी जगह पे हम सीधा सीधा लिख देंगे सी आउट लेस देन ए, क्योंकि ए ऐसा एलिमेंट है जो हर दफा इसके हर चक्कर में अपडेट हो रहा है। यहाँ पे इसके चक्कर को इंग्लिश में कहते हैं आइटरेशन। क्या कहते हैं? आइटरेशन। और ए वो आइटरेटर है जो हर दफा अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे एफएलएन दबाएंगे, सही है, समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप 5 से 10 तक जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे प्रोग्राम में चेंज? 1 से 5 नहीं, 1 से 10 करना हो तो 10, 5 की जगह पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, सही है? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो ये परफॉर्म कर ही रहा है, पर अब मैं चाह रहा हूँ ये इवन नंबर्स में परफॉर्म करे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 पे परफॉर्म करे। तो उस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा? दो चार छः आठ दस परफॉर्म कराने के लिए मुझे ए की इनिशियल वैल्यू 2 सेट करनी होगी और यहाँ पे जाके इक्वल टू 2 करना होगा। इससे क्या होगा, ये हर दफा ए की वैल्यू में 2 का इजाफा करेगा, ठीक है? अब अगर मैं 1, 3, 5, 7 ओड नंबर में कराना चाहता हूँ तो ए की इनिशियल वैल्यू मुझे 1 करनी होगी और इजाफा तो वो 2 का ही होगा, तो नीचे प्लस इक्वल टू 2 ही लिखता होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे 1, 5, 25, 125, 1025 इस तरह से करना है तो यहाँ ए की वैल्यू 1 रखनी होगी और यहाँ प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 करना होगा। इस तरह ये 1, 5, 25 और आगे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ 10 पे रखा हुआ था, इसको हम 10,000 पे सेट कर देते हैं। समझ में आई? इस तरह अगर मुझे इस नंबर की जगह पे अगर कोई स्टार प्रिंट करना है तो मुझे इसको हटा के यहाँ पर स्टार लिख दूंगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं लूप के बिना पर। मतलब फायदा यह है इसका कि आपको एक कोड बार बार रिपीट कराना है तो वो आपको परफॉर्म बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उसको उतनी बार परफॉर्म कर देगा। इसकी मिसाल पानी की मोटर की ले सकते हैं हम।